आज हम करेंगे क्लास 10th के 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है। पूछा क्या, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। हमारे सामने है सवाल 1/√2, ठीक है। प्रूव करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन से। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट, सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है, 1/√2 इज रैशनल। ओके, अब क्या लिख सकते हैं, 1/√2 अभी क्या मान लिए, रैशनल मान लिए हैं तो फ्रैक्शंस में होंगे, ठीक है। तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। अब वेयर, ये जो a और b है, वेयर a b आर को प्राइम नंबर, जिसका एचसीएफ क्या होगा, ओनली वन, वन ही होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, 1/√2 और a by b को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखते हैं, हाँ, b इज इक्वल टू a अंडर रूट टू हो गया, देन ये b और ये जो a है, इसे हम क्या डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो b by a इज इक्वल टू अंडर रूट टू हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब सो b by a, अब ये b by a जो है ये रैशनल के फॉर्म में है, बट अंडर रूट टू तो नहीं होता है ना, तो सो b by a इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, देन इट इज रैशनल। ओनली b by a ही आपका रैशनल है, अंडर रूट टू नहीं है, ओके, रैशनल, ठीक है। बट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ अराइज, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, ठीक है, बहुत आसान है ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, 1/√2 इज इरेशनल। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।